चीन की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि वो युद्धाभ्यास कर रहा है, लेकिन खबर अब ये आ रही है कि चीन ठीक रूस की तरह ताइवान के आसपास अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ा रहा है ताकि ताइवान पर कभी भी हमला बोला जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर से इस बात का दावा किया जा रहा है कि चीन ज्वाइंट कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए और ज्यादा सैनिकों की तैनाती में जुट गया है। लड़ाकू विमानों की गर्जना, 14 युद्ध पोतों की तैनाती, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर की उड़ान, ऑल वेदर वॉर प्रैक्टिस, ताइवान के आसमान में इस वक्त ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अपने युद्ध कौशल को परखने के लिए चीन की सेना हर मोर्चे पर ताल ठोक रही है। आसमान में जहां चीन के लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दे रही है, तो वहीं येलो सी और दक्षिण चीन सागर में दैत्याकार युद्धपोत अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। भले ही चीन ये शक्ति प्रदर्शन युद्ध अभ्यास के नाम पर कर रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा यूक्रेन को लेकर रूस ने किया था। यानी यूक्रेन की घेराबंदी के लिए रूसी सेना ने जिस तरह से अपने सैनिकों को जुटाना शुरू कर दिया था, ठीक वैसे ही चीन भी ताइवान के खिलाफ कर रहा है। यानी युद्धाभ्यास के नाम पर चीन न सिर्फ ताइवान के आसपास जंगी हथियार जमा कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे चीन की फौज की तादाद भी ताइवान के करीब बढ़ती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिस तरह से ताइवान के आसमान और समंदर में इस वॉर प्रैक्टिस को अंजाम दे रही है, ठीक वैसे ही चीनी सेना की दूसरी थिएटर कमांड भी अब इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन सकती है। यानी ताइवान को घेरने के लिए चीन एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार करने में जुटा हुआ है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ताइवान को लेकर चीन की इस घेराबंदी के मायने क्या हैं। दरअसल चीन ने ताइवान सीमा के पास दाखिल होने वाले रास्तों को कब्जे में ले रखा है। इससे युद्ध के हालात में चीन के सैनिकों का ताइवान के सैनिकों पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों के आसपास भी अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है। इस किलेबंदी के जरिए चीनी सेना ताइवान के 3 बड़े सैन्य ठिकानों पर आसानी से हमला बोल सकती है। दरअसल चीन और ताइवान के बीच तल्खियां किस हद तक आगे बढ़ चुकी हैं, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि वॉर एक्सरसाइज के नाम पर चीन लगातार अपनी वायुसेना और नौसेना का दखल बढ़ाता जा रहा है। इतना ही नहीं, नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से चीन ने 3 ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें ताइवान को लेकर शी जिनपिंग की आक्रामक नीति के तौर पर देखा जा रहा है। पहला ये कि चीन ताइवान को चारों तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास कर रहा है। दूसरा ये कि चीन ने 22 साल बाद ताइवान पर श्वेत पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उसने ये साफ कर दिया है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। तीसरा ये कि चीन ये साफ कर चुका है कि वो ताइवान को हासिल करने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं करेगा। यानी चीन वैसी जिद ठान कर बैठा है जैसी जिद पुतिन ने यूक्रेन को लेकर पाली है। लेकिन सवाल यही है कि क्या चीन के लिए ताइवान की जंग आसान होने वाली है, क्योंकि यहां भी रूस यूक्रेन युद्ध की तरह अमेरिका चीन के लिए दीवार बनकर खड़ा है। दरअसल रूस और यूक्रेन का युद्ध चीन के लिए बड़ा सबक बन गया है। खबर यह है कि ताइवान पर फाइनल हमला बोलने के पहले चीन अपने दुश्मन की हर कमजोरी की लिस्ट तैयार कर रहा है। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं पीएलए भी वही भूल ना करे जो भूल रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में की थी। चलिए आपको समझाते हैं ताइवान के खिलाफ चीन का नया प्लान है क्या। देखे
ताइवान के खिलाफ चीन का नया पैंतरा। ताइवान के डिफेंस सिस्टम पर शी की नजर। ताइवान में चीन का विध्वंसक प्लान। कहते हैं कि जंग भले ही दो मुल्कों के बीच लड़ी जाती है, लेकिन जंग का प्रभाव, उसका असर और उसके परिणाम पूरी दुनिया को देखने और भुगतने पड़ते हैं। अब से कुछ महीनों पहले यूक्रेन की धरती पर रूस ने जो जंग छेड़ी, उसके लिए भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस जंग से निकलने वाली चुनौतियों का सीधा सीधा असर अब जंग के उस मोर्चे पर हो रहा है, जिसे ताइवान के जमीन पर विध्वंसकारी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से लगातार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान की रेकी कर रहे हैं। लगातार शी की सेना की नजर ताइवान के डिफेंस सिस्टम की खामियों को तलाशने में जुटी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन किसी भी कीमत पर वो लापरवाही नहीं करना चाहता जिस लापरवाही को पुतिन की सेना ने यूक्रेन की धरती पर अंजाम दिया, यानी बिना दुश्मन की ताकत को समझे उस पर हमला बोलना। शी जिनपिंग ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जो जंग लगातार खिसती जा रही है, वो महज इसलिए है क्योंकि रूस को लगता था कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है, लेकिन यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले अत्याधुनिक हथियारों ने न सिर्फ रूस की जंग को मुश्किल बना दिया, बल्कि पुतिन की सेना को बार बार अपनी वॉर टैक्टिक्स को बदलना पड़ रहा है। यही वजह है कि शी जिनपिंग हरगिज़ ये नहीं चाहते कि ताइवान के खिलाफ जिस जंग का वो आगाज करना चाहते हैं, उस जंग में उनका भी वही हाल ना हो जो हाल इस वक्त पुतिन का है, यानी ताइवान के खिलाफ फाइनल अटैक से पहले चीन अपने दुश्मन की एक एक कमी की लिस्ट तैयार करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि ताइवान के आसमान में बार बार चीन के लड़ाकू विमान घुसपैठ कर रहे हैं, जिसका मकसद ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना है। चीन ये जानना चाहता है कि ताइवान का रडार सिस्टम कैसा है। इसी कड़ी में अब ये दावा किया जा रहा है कि चीन के SU-35 लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के आसमान की रेकी कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि SU-35 ने ताइवान की हवाई सुरक्षा में तैनात F-16 के रडार को ब्लाइंड कर दिया है, यानी चीन ने अपने SU-35 जैसे लड़ाकू विमान से ताइवान की हवाई सुरक्षा की बड़ी कमजोरी पकड़ ली है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर चीन के SU-35 और ताइवान के F-16 की ताकत में कितना अंतर है। चीन का SU-35 रूस में बना एक ताकतवर लड़ाकू विमान है, जबकि F-16 अमेरिका में बना चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। F-16 एक बार में 4,220 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। SU-35 की अधिकतम स्पीड 2800 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-16 की अधिकतम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान के आसमान में उसकी जंग अमेरिका के बेहद ताकतवर हथियारों से हो सकती है। यही वजह है कि वो ताइवान की उन खामियों का पता लगाने में जुटा है जिन पर हमला करके शी की सेना ताइवान को जोरदार चोट पहुंचा सके। कहा यह जा रहा है कि अगर ताइवान नहीं माना और उसने चीन के आगे घुटने नहीं टेके, तो चीन अमेरिका और ताइवान को अपने इन्हें हथियारों से डराएगा, जिसकी उसने तैयारी शुरू भी कर दिया। क्योंकि अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पश्चिमी शिनजियांग में चीन अपनी उस जगह को अपग्रेड कर रहा है जहां परमाणु परीक्षण होता है।
ये दावा पिछले हफ्ते 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीरों के आधार पर किया गया, जिसमें पश्चिमी शिनजियांग की परमाणु परीक्षण की साइट बिल्कुल साफ नजर आई। कहा यह जा रहा है कि चीन वहां अंडरग्राउंड टेस्टिंग के लिए छठी सुरंग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि तस्वीरों में वहां टूटे हुए पत्थरों का ढेर दिखाई दिया। अच्छा, इतना ही नहीं, दावा यह भी किया गया कि चीन ने पहाड़ का एक हिस्सा पूरी तरह से ढक दिया है, जिससे कि इस बात का अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि वहां वो सुरंग बना रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तस्वीरों में पावर केबल, विस्फोटकों के लिए स्टोरेज फैसिलिटी भी दिखाई दे रही है, यानी कि चीन की परमाणु परीक्षण की तैयारी करीब करीब पूरी है। पश्चिमी शिनजियांग की परमाणु परीक्षण की साइट एक सूखी हुई झील पर बनी हुई है। पश्चिमी शिनजियांग की सीमाएं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती हैं। अब कहा यह जा रहा है कि चीन इस पूरे इलाके में तेजी से काम कर रहा है, जिसे ताइवान और अमेरिका को घुटने पर लाने की तैयारी का एक हिस्सा माना जा रहा है। ताइवान के खिलाफ चीन की एक और बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खबर यह है कि ताइवान को शिकस्त देने के लिए चीन साइबर हमले की प्लानिंग कर रहा है। चीन के हैकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। ताइवान की तबाही का प्लान तैयार हो रहा है। ताइवान पर साइबर अटैक का चक्रव्यूह। चालबाज चीन का घातक सॉफ्टवेयर। ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमान लगातार हुंकार भर रहे हैं। ताइवान में तहलका मचाने के इरादे से शी की सेना युद्धाभ्यास के नाम पर बारूदी बारिश कर रही है। ताइवान के चारों कोनों में चीन अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जल, थल, वायु में चीन की सेना अपने ताकतवर हथियारों की नुमाइश कर रही है। लगातार शी की सेना दुनिया को अपना दम दिखाने और ताइवान को डराने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रही है। ऐसे वीडियो के जरिए चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो में चीन अपनी वॉर मशीनरी के सबसे घातक हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन वॉर मशीनरी के अलावा चीन ताइवान को घुटनों के बल पर लाने के लिए साइबर अटैक का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसमें फंसने का मतलब सिर्फ तबाही और तबाही है। चीन ये जानता है कि ताइवान से जंग का मतलब अमेरिका की बेहद शक्तिशाली वॉर मशीनरी से लोहा लेना है। लिहाजा ताइवान पर कब्जे के लिए शी जिनपिंग ने साम, दाम, दंड, भेद वाली नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन की ताइवान पर साइबर अटैक की प्लानिंग को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। खबर है कि चीन ताइवान पर साइबर हमले का षड्यंत्र रच रहा है, जिसके तहत चीन के हैकर ताइवान के बैंकिंग सिस्टम और डिफेंस सिस्टम पर दोहरा अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद ताइवान चीन से लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी होगी और डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुका होगा। मतलब ये कि साइबर अटैक से चीन आधी जंग बिना हथियार चलाए जीत जाएगा और रही सही कसर उसकी मिसाइलें पूरी कर देंगी। लेकिन चीन के इन सारी तैयारियों पर अमेरिका की बाज जैसी नजर है, क्योंकि अमेरिका समंदर और आसमान दोनों जगह चीन की जासूसी कर रहा है। लेकिन चुनौती इस बात की है कि चीन के चालबाज हैकर ताइवान को चौंकाने के लिए ऐसा घातक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं जिसके बूते ताइवान में साइबर जंग छेड़ी जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि अगर चीन के हैकर ताइवान पर बड़े साइबर हमले में कामयाब हो जाते हैं तो ताइवान का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से ठप हो सकता है। अगर चीन के हैकर ऐसा करने में कामयाब हुए तो ताइवान को रक्षा तंत्र का बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, चीन की साइबर वाली साजिश में ताइवान की पूरी संचार व्यवस्था ठप हो सकती है। ताइवान के उद्योग धंधों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। यानी चीन ताइवान के वॉर जोन में अपने दुश्मन को कई मोर्चों पर घेर लेना चाहता है, ताकि न दो दुश्मन चीन के हमले का जवाब दे सकें और न ही चीन के हमले से बच सकें। और यही शी जिनपिंग की सेना भी चाहती है।